हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी दो पर्पस में एक नेकलेस बनाना। आप इसको पैटियोर भी कर सकते हो या नहीं तो आप इसको वर्किंग ज्वेलरी भी पहन के फिर आप काम पे जा सकते हो। हेवी ज्वेलरी पहन के तो ऑफिस नहीं जा सकते हो, इसलिए मैंने सोचा कितने कम मटेरियल में आप एक अच्छा आउटफिट कैसे लाओगे वो मैंने ट्राई किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके जो ये रेक्टेंगल्स है मैंने ऑक्सीडरी कुंदन आज यूज़ किया है। ये मैंने 12 mm की ये रेक्टेंगल शेप लिया है और ये 10 mm की नहीं लिया है और ये 8 mm की जंप रिंग, ये स्टार लिया है और लॉक बिट, डोरी और गेयर वेयर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। पहले आपको क्या करना है, गेयर वेयर को ज़्यादा लॉन्ग करके कट करना है। बस मैंने ये गेयर वेयर लॉन्ग करके कट कर दिया है। फिर मैं इसको ये जो जंप रिंग है बस इस जंप रिंग के अंदर ऐसे पास करूँगी पहले। फिर ये जो स्मॉल साइज की रेक्टेंगल है बस उसके अंदर ये वेयर को पास करूँगी। देखो देखो ये ऐसे ही आएगी। नेक्स्ट ये आपको ये सभी कुंदन ये ओयर के अंदर ऐसे पास करना है ऐसे। और ये साइड ओके। ये मैंने छोटी साइज कुंदन तो पास कर दिया, फिर ये बड़ी साइज कुंदन को पास करना है सेम प्रोसेस में। ये लेफ्ट साइड ओयर लेफ्ट के अंदर पास करना है और ये राइट साइड के ओयर इसे राइट साइड के अंदर पास करना है। सेम आइडिया लगा के आपको सारी कुंदन ऐसे पास करना है, इस साइड और ये इस साइड। ओके देखो ये मेरी लास्ट कुंदन है। बस आपको क्या करना है, इसको ओयर को ऐसे आसपास लेना है तभी आपकी ये गेयर ओयर आसानी से लॉक हो पाएगी ऐसे। देखो मैंने ये स्टार्टिंग से एंड तक मैंने ओयर इसके अंदर पास कर दिया है। बस आपको यहीं पे सिर्फ लॉक करना है। ये ओयर को लॉक करने के लिए आपको ये लॉक बिट चाहिए। ये दोनों यार ये लॉक बिट के अंदर ऐसे पास करना है। फिर इसको अच्छे से ऐसे खींच के और यहीं पे मैं इसको प्रेस कर दूंगी तो ये लॉक बिट को ये फिक्स हो जाएगी इसके साथ। हो गई। और जो एक्स्ट्रा है बस आपको इसको कट करना है। देखो मेरी ये नेकलेस बन के रेडी हो गई। सिर्फ मैं इसके साथ ये जो डोरी मैंने लिया था इस डोरी को अटैच करेंगे। डोरी अटैच करने के लिए आपको जंप रिंग चाहिए। बस मैं ये एक साइड तो मैंने जंप रिंग पहले से लगा दिया था, बस इस साइड में लगा के ये डोरी अटैच कर दूंगी। इसके अंदर ऐसे ये वेयर को बाहर निकलना है ये जंप रिंग को। आगे और इस साइड इसको अच्छे से ऐसे दबा देना, नहीं तो डोरी आपके बाहर आ सकती है। और इस साइड में ऐसे सेम, ये तो जंप रिंग मैंने पहले से लगा दिया था तो सिर्फ मैं इसको खोलूँगी और इसके साथ ये डोरी अटैच कर दूँगी ऐसे। देखो मेरी ये नेकलेस बन के रेडी हो गई। बस मैं इसके इयररिंग्स बनाऊंगी। सेम ये इयररिंग्स बनाने के लिए मैंने ये रेक्टेंगल शेप लिया है, बड़ी साइज, फिर ये छोटी साइज, फिर इससे छोटी साइज, ये ओवल शेप लिया है। मेरे पास ये ख़त्म हो गई थी इसकी छोटी साइज तो मेरे पास ये ओवल शेप था। आपके पास ये इसकी छोटी साइज है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इयररिंग्स बनाने के लिए मुझे ये गेज वेयर लेना है। फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, इस साइड वेयर पास करूंगी और इस साइड ऐसे। ओके फिर इस साइड आपको पास करना है। ये जो ओवल शेप की मैंने लिया था बस उसको पास करूंगी।
देखो ये हो गई, बस मैं इसको यहीं पे घुमा दूंगी तो ये फिक्स हो जाएगी इसके साथ। और जो एक्स्ट्रा है बस उसको आपको कट करना है, और जो बाहर दिखेगा बस आपको क्या करना है, इसको ये होल के अंदर ऐसे प्रेस कर दोगे तो ये छिप जाएगी इसके अंदर। देखो ये मेरी बन गई। बस मैं क्या करूँगी, पहनने के लिए इसके पीछे में ये जो स्टार की बेस आती है ना, बस इसको चिपकाऊँगी। इसको पेस्ट करने के लिए मुझे ये ग्लू चाहिए, मैंने इसको यहीं पे यूज़ करूँगी, वो भी लगा दूँगी। और ये जो स्टार बेस मैंने लिया था बस इसको चिपकाऊँगी ऐसे, और इसको एक घंटे दो घंटे के लिए ऐसे छोड़ दूंगी सूखने के लिए। बस आपको ऐसे ही सेम ये इयररिंग्स बनाना है। चलो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।